सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट। हम बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट में आज चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। बिजनेस स्टडी क्या है, ये सब्जेक्ट का नाम बिजनेस स्टडी क्यों रखा गया है। बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट में हम बिजनेस को स्टडी करेंगे। बिजनेस को स्टडी करेंगे मतलब बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस कौन कौन करता है, बिजनेस के फायदे क्या हैं, बिजनेस के नुकसान क्या हैं, बिजनेस की टाइप्स क्या हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है। सो ये सारा कुछ हम बिजनेस स्टडी में स्टडी करते हैं। एनी थिंग विच इज रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद बिजनेस इज स्टडी अंडर द बिजनेस स्टडी। तो इसीलिए सब्जेक्ट का नाम रख दिया गया बिजनेस स्टडी, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट बिजनेस के आएंगे जो हम शुरू करेंगे। धीरे धीरे आपको ये चैप्टर्स में पता लगता जाएगा। अच्छा, चैप्टर वन जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या नाम है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। चैप्टर का नाम है नेचर। नेचर मतलब बिजनेस का स्वभाव कैसा है, बिजनेस का नेचर कैसा है। पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के क्या फायदे हैं, उसका क्या पर्पस है, हम बिजनेस क्यों करते हैं। इस चैप्टर में हम उसका नेचर और पर्पस पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज बिजनेस, जनरल लैंग्वेज में बिजनेस क्या है। बिजनेस आपके चारों दीवारी में, मतलब आपकी सराउंडिंग्स में बिजनेस है। आपकी फैमिली में बिजनेस करता होगा, आप जहां रहते हो वहां कोई ना कोई बिजनेस करता होगा। बट अगर आपको बोला जाए बिजनेस को एक रियल डेफिनेशन में एक्सप्लेन करना, वो कैसे करोगे, वट इज बिजनेस। क्योंकि जहां भी देखो वहां बिजनेस हो रहा है, आप बिजनेस कर रहे हो, हम बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई कर रहा है, आपकी सराउंडिंग्स में बिजनेस हो रहा है। बट लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम कि बिजनेस को जनरल डेफिनेशन में कैसे लिखा जाता है, वट इज बिजनेस। सो आज हम बिजनेस की डेफिनेशन स्टडी करेंगे, वट इज बिजनेस। ओके, बिजनेस इज ए स्टेट ऑफ बींग बिजी। इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं बिजनेस एक वो स्टेट है जहां बंदा अपने आप को बिजी रखता है। बिजनेस इज ए स्टेट ऑफ बींग बिजी, जहां व्यक्ति अपने आप को बिजी रखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। बिकॉज बिजी प्लस नेस, बिजी प्लस नेस को क्या बोल बन गया, कंबाइन करके बिजनेस। सो स्टेट ऑफ बींग बिजी इज नाउन एज बिजनेस। ये तो रही शॉर्ट डेफिनेशन। अगर हम ब्रॉड डेफिनेशन में बात करें तो बिजनेस क्या है, इन जनरल टर्म एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। एक ऑक्यूपेशन है, एक काम है, इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। ये काम रेगुलरली होता है, ये डेली बेसिस पे काम किया जाता है। ये नहीं कि आज कर लिया एक हफ्ते के बाद करेंगे, नो, ये रेगुलरली बेसिस पे होता है। इन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज किया जाएगा, सेल किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। क्योंकि कोई भी काम होगा उसका मेन मोटिव क्या होगा, अर्न प्रॉफिट करना। अगर तो बिजनेस हम कर रहे हैं, अगर हम प्रॉफिट ही नहीं अर्न करेंगे तो क्या फायदा, हम बिजनेस को चैरिटेबल के लिए कर रहे हैं, लोगों को फ्री सर्विसेज देने के लिए कर रहे हैं, नहीं। बिजनेस का मेन मोटिव ही होता है अर्न प्रॉफिट। ये डेफिनेशन को हम थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। एन ऑक्यूपेशन एक काम है जो हमें रेगुलर बेसिस पे करना है। उस काम में कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो परचेज एंड सेल हम करते हैं वो क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ओके, सो क्या डेफिनेशन होगी बिजनेस की, एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिगार्डिंग परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट। देखो एक बात, परचेज एंड सेल साइड बाय साइड होंगी, क्योंकि अगर तो परचेज हो रही है डेफिनेटली, अगर एक बंदा परचेज कर रहा है तो दूसरे बंदे ने सेल की होगी, ठीक है, और प्रॉफिट तो अर्न होना ही होना है। क्योंकि हम चैरिटेबल बिजनेस तो ना कर रहे हैं कि फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करें और इसके बदले पैसे ना लें। सो आई होप आपको बिजनेस की डेफिनेशन क्लियर होगी। एक ऑक्यूपेशन है जो रेगुलरली करना पड़ता है डेली बेसिस पे, उसमें परचेस एंड सेल की एक्टिविटीज आ जाती हैं। तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स, मतलब नेचर, बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस का स्वभाव कैसा है। फर्स्ट वन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक बात याद रखना, जहां इकोनॉमिक आ गया वहां पैसे की बात हो रही है, ठीक है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में जो हम काम करते हैं वो पैसा अर्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को एज ए गिफ्ट प्रोवाइड नहीं करते, उसका कुछ चार्ज करते हैं।
तो सो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम पैसे की ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, बिजनेस में क्या प्रोडक्शन की जाती है? प्रोडक्शन इज द थिंग विच इज प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ सेल। प्रोडक्शन का क्या मतलब है? वो चीज प्रोड्यूस करना जिसका मेन मोटिव होता है सेल करना। बिजनेस में हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। क्यों करते हैं? क्योंकि हम बेचेंगे तो तभी तो कुछ अर्न करेंगे। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? बिजनेस में हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसे मेरा बिजनेस है टिम्बर का, फर्नीचर का, तो मैं फर्नीचर को ही क्या करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा। कैसे? पहले हम ट्रीज कट करेंगे, उससे हम उसको रीशेप करके उसको एक फर्नीचर की फॉर्म देंगे। तो मेरा बिजनेस क्या है? फर्नीचर का। मेरी प्रोडक्शन क्या होगी? फर्नीचर की। नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डेफिनेटली प्रोडक्शन होगी, तो उसके बाद क्या करेंगे हम? उसको प्रोडक्शन करके प्रोड्यूस करेंगे, उसको सेल करेंगे। सेल कर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, क्योंकि ये तो कोई मतलब ही नहीं बना कि आप माल बनाई जा रहे हो और आप बेचो ही ना। क्या करोगे उसका रख के? कितना यूज कर लोगे आप खुद? और गिफ्ट तो दे नहीं, गिफ्ट तो दोगे नहीं किसी को। डेफिनेटली आप सेल करोगे। तो जो अगला करेक्टरिस्टिक्स है वो है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ओके। फोर्थ वाला पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। डेफिनेशन में भी हमने जो पढ़ा है कि जो बिजनेस है वो रेगुलर बेसिस पे होगा। ये नहीं कि आज आपने बिजनेस खोला, आज आपने अपनी शॉप खोली तो अब आप महीने बाद खोलोगे या हफ्ते बाद, वो बिजनेस काहे का हुआ? उसमें तो आप लॉस में जाओगे, प्रॉफिट तो अर्न करोगे नहीं, क्योंकि बिजनेस का तो मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। सो जो बिजनेस है, जो हम डीलिंग करेंगे ट्रांजेक्शन की गुड्स एंड सर्विसेज में, वो रेगुलरली बेसिस पे होनी चाहिए, वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए। अगर आज मैं बिजनेस में 100 रुपया लगा रहा हूँ तो मेरी उम्मीद क्या होगी? मैं 110 रुपये कमाऊँ। ये नहीं कि 100 लगा के मैं 90 रुपये कमाऊँ। मेरा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। सो बिजनेस का एक नेचर क्या होता है? कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ओके, नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न बिजनेस में बोला जाता है कि हम जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जरूरी नहीं होता कि हमें उतना ही प्रॉफिट हो। प्रॉफिट इज अनसर्टन। अनसर्टन बोले तो पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न्स होती हैं वो अनसर्टेनिटी है। प्रॉफिट भी हो सकता है इन रिटर्न, लॉस भी हो सकता है इन रिटर्न। सो वी शुड डू दैट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ओके, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं। लॉस हो गया किसी तरीके का, या बिजनेस में आग लगी फायर का रिस्क आ गया, बिजनेस में चोरी होगी थेफ्ट रिस्क आ गया, बिजनेस में किसी ने फ्रॉड कर लिया फ्रॉड रिस्क आ गया। इस तरह के मतलब बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है रिस्क होते हैं, उसको बी कंपनी है जो ध्यान में रखती है उसको बेयर करने के लिए। ओके, सो ये हमारे थे कुछ पॉइंट जो करेक्टरिस्टिक्स थे। फर्स्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क। ओके, अब हम पढ़ने जाएंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्टिविटीज इन द बिजनेस। बिजनेस में कितनी तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जो बिजनेस हम करते हैं उसमें हम कितनी एक्टिविटीज कहते हैं। ओके, तो पहले हमें एक्टिविटी का मीनिंग अंडरस्टैंड करना होगा। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी रेफर्स टू अंडरटेक वेरियस थिंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स। मतलब एक्टिविटी को हम बोलेंगे कि जो इंसान है उसकी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए जो काम किया जाता है बिजनेस में, उसको हम बोलेंगे एक्टिविटीज। ओके, ओके, टाइप ऑफ एक्टिविटीज। बिजनेस की दो एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, एक चीज याद रखनी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, मैंने पीछे भी बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो मनी से रिलेटेड होती हैं। जहां कहीं भी इकोनॉमिक या इकोनॉमी की बात आए, वहां पैसे की बात चल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज बाय विच वी कैन अर्न अवर लाइवलीहुड। मतलब वो एक्टिविटीज जिससे हम कुछ अपनी जिंदगी जीने के लिए अर्न करते हैं, मतलब पैसा। जब हम कोई काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो एक्टिविटीज आ जाएंगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री। एक वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, क्यों कर रहा है? पैसे अर्न करने के लिए कर रहा है। ठीक है, अ टीचर टीचिज इन द स्कूल। टीचर टीच कर रही है स्कूल में, क्यों कर रही है? पैसे अर्न करने के लिए। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह की होगी, बिजनेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ लगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव सिंपथी एंड सेंटीमेंट्स एटसेट्रा। जो एक्टिविटीज हम करते हैं परफॉर्म करते हैं आउट ऑफ लव, किसी से प्यार की भावना में, किसी को दया की भावना में, या सेंटीमेंट्स में, इमोशंस में बहकर, वो जो एक्टिविटीज होती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती हैं। इन एक्टिविटीज से हम कुछ अर्न नहीं करते, तो जो इन एक्टिविटीज से हम कुछ अर्न नहीं करते तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं। वो हम किसी के प्यार में बहकर, किसी की भावनाओं में बहकर, या दया की नजर से हम करते हैं, मतलब किसी पे तरस खाकर, जो वो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ हाउसवाइफ कुक फूड, अगर एक हाउसवाइफ कुक कर रही है फूड अपने घर में अपने बच्चों के लिए, तो वो कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रही। अगर टीचर टीचेस हर डॉटर, अगर टीचर है अपनी डॉटर को टीच कर रही है पर वो घर में टीच कर रही है, उसके लिए उससे पैसे थोड़ा चार्ज करेगी, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वही टीचर स्कूल में टीच करेगी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि वो स्कूल में कर रही है और उसके लिए कुछ अर्न करेगी। ओके, आई होप आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें हम कुछ अर्न करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें हम कुछ अर्न नहीं करते बट अपनी मर्जी से प्यार की भावना में, या किसी पे तरस खाकर, या किसी की इमोशंस में बहकर वो काम करते हैं, उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, उसको बोल देते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, अब हम पढ़ेंगे बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की टाइप, ठीक है। बिजनेस वी डिस्कस अर्लियर, जो बिजनेस हम पीछे अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाई बाय पर्सन इन देयर ऑक्यूपेशन। मतलब प्रोफेशन है कि किसी काम को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल नॉलेज या कुछ स्पेशल स्किल रिक्वायर करना, उसको क्या हम बोलेंगे? प्रोफेशन, ठीक है। किसी काम को करने के लिए जब हमें कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायर होनी चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए, उसके पास MBBS या BAMS की कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिससे पता लग सकता है कि वो डॉक्टर है, उसके पास प्रोफेशनल सर्विस करने का राइट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉयर, लॉयर को अपना मतलब काम करने के लिए LLB की डिग्री होना बहुत जरूरी है ताकि पता चल सके कि वो लॉयर है, उसके पास एक अपना प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है। ओके, नाउ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड सैलरी इन रिटर्न। वो क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट एक ऑक्यूपेशन है, काम है, इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, जिसमें पीपल जो लोग हैं काम करते हैं दूसरों के लिए, एंड गेट रेम्यूनरेटेड सैलरी इन रिटर्न, जिसके बदले में वो सैलरी अर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्कर वर्क्स इन द फैक्ट्री, एक मजदूर है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसको उसके वेजेस और सैलरी मिल रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे? जहां एक व्यक्ति काम करता है किसी और के लिए और उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको तीनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। अब हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन चार्ट आपको दिख रहा है, इस कंपैरिजन चार्ट से हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे ताकि हमारे जो डाउट्स हैं बिजनेस के, प्रोफेशन के, एम्प्लॉयमेंट के, तीनों में क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो हमें क्लियर हो जाए। ओके, एज डिस्कस अर्लियर हम मीनिंग ऑफ बिजनेस इन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके हैं। अगर आप इस थ्योरी के नोट्स प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हेडिंग हमारी बिजनेस में, और सॉरी बेसिक में मीनिंग होगा। मीनिंग लिखने के बाद सेकंड पॉइंट हम देंगे क्लासिफिकेशन। ओके, बिजनेस करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन या कुछ नहीं रिक्वायर, क्योंकि बिजनेस, जैसे अब मैंने अपने घर पे परचून की दुकान खोली है, मैं पहले कोई क्वालिफिकेशन थोड़ा लूंगा परचून की दुकान की, मेरी मर्जी, मेरे को काम करना, मैंने अपना बिजनेस खोला, बस एक लाइसेंस चाहिए, वो हम ले लेंगे गवर्नमेंट से, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती बिजनेस के लिए, ठीक है। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, बताया था मैंने, अगर डॉक्टर ने काम करना उसके पास BAMS या MBBS की डिग्री होना रिक्वायर है। एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जोन सी जॉब वो कर रहा है उस जॉब के रिगार्डिंग उसकी डिग्री होनी चाहिए, और उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए, कि उसके पास कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए कि उसको कंपनी ने अपॉइंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवार्ड, बिजनेस में क्या रिवार्ड होता है? बिजनेस के रिवार्ड को हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट अर्न। बिजनेस में अगर हमें कोई रिवार्ड मिलता है वो होता है प्रॉफिट। ओके,
प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल फीस, अगर डॉक्टर कोई काम कर रहा है तो उसको उसके बदले उसकी फीस मिल जाएगी, जिसको हम कहेंगे प्रोफेशनल फीस। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा, सैलरी या वेजेस। यहाँ सैलरी और वेजेस में डिफरेंस पता है आपको, कई लोग साइमल्टेनियसली यूज करते थे सैलरी की जगह वेजेस और वेजेस की जगह सैलरी। एक बात बताऊंगा, सैलरी जो होती है वो मंथली बेसिस पे होती है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती। जो हम बंदे को एक महीने की सैलरी देते हैं, जैसे टीचर को या किसी वर्कर को, वो जो हो जाती है सैलरी वो होती है मंथली। वेजेस होते हैं डेली बेसिस पे, जैसे कोई मजदूर है, कोई घर पे मजदूर लगाया, वो दिहाड़ी पर लगाया, उसे कहते हैं दिहाड़ीदार। जो होते हैं लोग दिहाड़ीदार, लोगों को वेजेस मिलते हैं एक दिन के, तो उसको बोलते हैं वेजेस। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को शुरू करने में लिए हमें कितना पैसा चाहिए। कैपिटल मैंने बताया था, कैपिटल क्या होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा हमें चाहिए। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस में कैपिटल क्या चाहिए, जितना आपने बिजनेस का साइज है, जितना आप बिजनेस जैसा बिजनेस करना चाहते हो उस हिसाब से आपको बिजनेस में कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। अगर तो आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको उसी हिसाब से कैपिटल चाहिए। अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीडेड, क्योंकि आपको डिग्री करनी है, उसके बाद आपको जॉब करनी है, प्रोफेशन करना है कुछ, तो इसलिए लिमिटेड कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहा है कोई, उसके अंडर आप एम्प्लॉयमेंट पे हो, तो नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। रिस्क, बिजनेस में यह ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर रिस्क लोगे तो प्रॉफिट अर्न होगा, अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट नहीं होगा। प्रोफेशन में लेस रिस्क, प्रोफेशन में रिस्क कम होता है क्योंकि आपके पास अपना प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है काम करने के लिए। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, आपका कोई रिस्क नहीं है, अगर कुछ गलत हो भी जाता तो वो कंपनी का होगा, गलत आपका नहीं होगा। ठीक है। सो प्रोफेशन में नो रिस्क, सॉरी एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। ओके। नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक स्किल रिक्वायर होना। कोड ऑफ कंडक्ट होता है जब हम कोई काम करते हैं ना, जब उसकी स्किल जब हम रिक्वायर करते हैं ना, उसके लिए हमें एक गाइडलाइंस इशू होती हैं, उन गाइडलाइंस को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में हमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रिक्वायर होता क्योंकि हम प्रोफेशनल ड्यूटीज नहीं कर रहे। प्रोफेशनल ड्यूटी में जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है रिक्वायर होता है। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने भी बताया कि जो हम प्रोफेशनल ड्यूटी करते हैं उसके लिए हमारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है कुछ रूल्स। सो प्रोफेशनल्स में जो है कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं रिक्वायर होता, बट कुछ गाइडलाइंस जो होती हैं वो जो वर्कर होते हैं उनको फॉलो करनी पड़ती है अपने बॉस की, तो उसको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोल देते हैं एम्प्लॉयमेंट में। ओके। द लास्ट वन इज नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस का क्या काम होता है, बिजनेस का मेन काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, क्योंकि बिजनेस में हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, फिर उनको सेल करनी है, सेल से हमें प्रॉफिट अर्न करना है। प्रोफेशन में क्या होता है, रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, जो भी प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट हो उसकी सर्विसेज रेंडर, अगर लॉयर हो लॉयर सर्विसेज दोगे, अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर सर्विसेज दोगे। एम्प्लॉयमेंट में क्या रिक्वायर्ड है, परफॉर्म वर्किंग एज पर अग्रीमेंट, आपके अग्रीमेंट में जो जो काम लिखा है आपको वो करना पड़ेगा एज पर द अग्रीमेंट। ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बिजनेस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, प्रोफेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, और साथ ही साथ में जो बिजनेस की दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को इस पूरे चैप्टर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आपकी क्वेरीज हैं जो सॉल्व कर दी जाएंगी उसी वक्त। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।